जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना और सही देखा। दोस्तों 1 नवंबर 2019 से आपके ये सभी बैंक होने जा रहे हैं बंद। दोस्तों ये हमारे अभी अभी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से सीधा खबर आई है, जो आपको जानना और सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे 5-6 ऐसे बैंक है जो की सरकारी सबसे बड़े बैंक है, वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बंद होने जा रहे हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि वो कौन कौन से बैंक है जो कि हमेशा के लिए बंद होने जा रहे हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है और हमारी उम्मीद बनती है आगे आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज की जानकारी लेकर आने के लिए। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए। तो दोस्तों 1 नवंबर 2019 से आपके जो जो यहाँ पर बैंक बंद होने जा रहे हैं हमारे सरकारी बड़े बैंक, तो दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि नवंबर के महीने में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे, नहीं हो पाएगा कोई भी काम। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारा 12 दिन ये बैंक बंद रहेंगे नवंबर में, आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा किसी भी सरकारी बैंक में। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग राज्यों में विभिन्न वजहों से यहाँ पर बैंक बंद रहेंगे, यानी कि दोस्तों आपको भिन्न भिन्न वजह से आपके बैंक बंद रहेंगे। यानी कि 4 रविवार को 2 शनिवार के अलावा 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि अक्टूबर खत्म होने वाला है, साल के सभी बड़े त्योहार जो कि इंड होने वाले हैं वही नवंबर में, कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें अवकाश हो, खासकर बैंक बंद हो उसके बाद भी देश में नवंबर के महीने 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि नवंबर में हमारे सारे रंगारंग त्योहार खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे सरकारी बड़े बैंक ICICI, स्टेट बैंक, HDFC ऐसे कई सारे सबसे बड़े सरकारी बैंक है जो कि हमारे 12 दिन तक बंद रहने वाले हैं। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि अगर एक दिन हमारे ये सभी बड़े बैंक बंद हो जाए हमारे बैंकों में कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, ये तो 12 दिन की बात है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे सभी बड़े बैंक 12 दिन तक बंद होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है कि नवंबर में आपके 12 दिन तक आपके सरकारी बैंक बंद रहेंगे। तो दोस्तों आइए बताते हैं कि क्यों ये 12 दिन हमारे नवंबर में बैंक बंद रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तारीखों को रहेंगी बैंकों में छुट्टियां, यानी कि दोस्तों 1 नवंबर से बेंगलुरु और इम्फाल कन्नड़ राज्योत्सव के आयोजन के चलते बैंकों में अवकाश रहेगा। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 2 नवंबर को पटना और रांची में छठ पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। उसके बाद दोस्तों 8 नवंबर को सिलांग में वांगला फेस्टिवल होने जा रहा है, इस दिन यहाँ पर बैंकों में काम नहीं होगा। और दोस्तों नवंबर में 9 तारीख को आपका सेकेंड सैटरडे पड़ रहा है, इसलिए उस दिन यहाँ पर पूरे दिन आपका सभी बैंक में अवकाश रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 12 नवंबर को गुरु नानक जयंती के कारण बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू कश्मीर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना जैसे सभी राज्यों में आपके सारे बैंक बंद रहेंगे। इस दिन इस बैंक में कोई भी काम नहीं होगा, इन राज्य में किसी भी बैंक में काम नहीं होगा। यानी कि दोस्तों ऐसे ऐसे करके आपको पूरा यहाँ पर 24 नवंबर तक आपके सरकारी बैंक बंद रहेंगे, किसी ना किसी कारणवश से आपके पूरी तरह से ये बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला निकल कर आया है कि आपके टोटल मिला के आपके टोटल 12 दिन ये बैंक बंद रहेंगे, जिससे काफी यहाँ पर ग्राहकों को काफी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी अपने सरकारी बैंक में काम निपटाना है तो जल्दी जल्दी 2-3 दिन के अंदर में अपना काम निपटा लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज है यहाँ पर 29 तारीख, यानी कि दोस्तों 29 अक्टूबर है। और दोस्तों जल्दी जल्दी अपना काम 1-2 दिन में निपटा लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके 12 दिन ये सरकारी सबसे बड़े बैंक बंद होने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके सभी दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी सूचना से अलर्ट हो सके। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पल की अपडेट के लिए बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।